हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप सब देख रहे हैं ट्राई डबलो टेक। ट्रायो टेक नाम मत भूलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने अपनी एक वीडियो में आप सबसे पूछा था कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस, अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, कुछ भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो इजिली पूछ सकते हैं। बस आपको एक हैशटैग यूज करना था, #AskAK। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ क्वेश्चन के रिप्लाई आपको आपके क्वेश्चन के नीचे ही कर दिए होंगे, नहीं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लगा कि नहीं, मुझे वीडियो में इंक्लूड करने चाहिए, तो मैंने उनको इंक्लूड किए। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनको मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं आप सबसे बहुत बड़ा वाला सॉरी बोलता हूं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं जो मैंने 10 क्वेश्चंस पिक किए हैं आप सभी के लिए। तो फ्रेंड, जो पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा है वो किक ने पूछा है, वो ये पूछते हैं कि सर, आई आस्क बिफोर ऑल्सो द फ्यूचर स्कोप ऑफ प्रोग्रामर्स एज अ करियर इन द नेक्स्ट 5 to 10 years इन इंडिया, प्लीज प्लीज। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ हाथ का साइन दिया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रोग्रामर्स, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या फिर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या फिर आप 12th में हैं, 10th में हैं या फिर BCA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, तो प्रोग्रामिंग में करियर आपका बहुत अच्छा है, स्कोप बहुत अच्छा है, इसमें आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। बट हालांकि जैसी जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने वीडियोज में बताया था आप सबको, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत सारे करियर आने वाले हैं, उसके बाद बहुत सारी ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजीज है वो इवॉल्व हो रही है, तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप प्रोग्रामर है, आपको कोडिंग आती है, तो आपके लिए फ्यूचर सिक्योर है। तो फ्रेंड, चलिए अपना दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा है वो शुभ पटेल ने मुझसे पूछा है, वो पूछते हैं कि सर, मैंने 1 month पहले फाइवर पर अकाउंट बनाया है लेकिन मुझे अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया, क्या करूं? तो शुभ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी अपने फाइबर पे अकाउंट बनाया तो फाइबर पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। हालांकि मैंने उसका रिप्लाई भी किया होगा, आपने देखा होगा, तो मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड करना अच्छा समझा। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप फाइबर पे काम करते हैं या फिर आप अपवर्क पे काम करते हैं, कोई भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे अगर आप काम करते हैं, तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। या तो आपके पास कोई बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग हो, आपके पास इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स अच्छे हो, कहीं पे भी आपकी रीच अच्छी होगी तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन अगर आप एकदम न्यूबी हैं, आपको कुछ नहीं पता, तो इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं मिलता है। आप कुछ अभी अपने फ्रेंड्स से बोलिए या फिर अपने आप को प्रमोट करिए। अपने आप को प्रमोट करने का मतलब, आप बहुत सारे तरीके हैं जिससे अपने काम को, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। सपोज आप लोगो बनाने का काम करते हैं, अगर फाइबर पे आप लोगो बनाते हैं, कुछ भी ऐसे और भी बहुत सारे, कोई भी एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी सर्विसेज को गूगल एडवर्ड्स के थ्रू एड चला सकते हैं। एडवर्ड्स पे अगर आपको देखना है तो छोटा मोटा ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं कि एडवर्ड्स पे एड कैसे चलाई जाती है और उसको कैसे प्लेस किया जाता है, सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। तो जो दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा वो, अगर आप फेसबुक एड्स के बारे में सोचते हैं, थोड़ा जानते हैं उसके बारे में, तो आप फेसबुक पे अपनी एड चला सकते हैं। तो आज के टाइम पे अगर आप फेसबुक पे ऐड चलाना चाहते हैं तो आपके पास GST नंबर होना मस्ट है, उसके बिना आप फेसबुक पे ऐड नहीं चला सकते। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप प्रमोशन कराना चाहते हैं, नहीं तो किसी यूट्यूबर्स को पकड़ लीजिए, उससे बोलिए कि मेरा ऐसा काम है, उसको प्रमोट करो, तो वो प्रमोट करेगा, उसके एवज में उसको आप कोई भी कुछ भी आप उसको गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है जो मोस्ट ऑफ PR कंपनीज आज के टाइम में करती है। जैसे आप देखते हैं ना, बड़े बड़े जो गैजेट रिव्यू करते हैं, उनके पास जो कंपनियां फोन दे देती हैं, उनके पीछे उनका ही बेनिफिट रहता है, कुछ ऐसे तरीके रहते हैं जिनको वो यूज करते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है अगर आपको अपने आप को प्रमोट करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा है वो समीर कुमार है, इन्होंने मुझसे पूछा है कि सर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर हम करना चाहते हैं तो हम उसको ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें? तो मैं आपको बताना चाहूंगा समीर कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन प्रेफर करिए। ऑफलाइन में क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, वो अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर हम जैसे स्टूडेंट हैं। तो आप ऑनलाइन ही देखिए, यूडीमे भी देखिए, नहीं तो एक बहुत सारे ऐसे आपको ब्लॉगर्स मिल जाएंगे जो अपने कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो उनके पास कोई अच्छा ब्लॉगर ढूंढिए, उनसे उनके कोर्स देखिए, पब्लिक ने क्या रिव्यूज दिए हैं उसके बारे में, तो जाइए उस कोर्स को ऑप्ट करिए और डिजिटल मार्केटिंग सीख लीजिए। तो फ्रेंड, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कहीं से भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं किया है, मैंने जो कुछ भी सीखा है मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ ही उसको सीखा है। तो अब आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना इतना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप करियर बनाना चाह रहे हैं तो बहुत इजी वे में आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए जो चौथा क्वेश्चन मुझसे पूछा है वो हरजान जानी है, एक उन्होंने मुझसे पूछा है कि सर, ब्लॉगिंग सक्सेस के लिए मैं क्या करूं? ब्लॉगर पे मैंने ब्लॉग बनाया है, उसमें मैं PC सॉफ्टवेयर डाउनलोड लिंक देता हूं, पेज व्यूज कैसे बढ़े और उसमें सक्सेस कैसे हूं?
चलो कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने ब्लॉगिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं मैं भी ब्लॉगिंग करता हूँ, तो मुझे मुझे लगता है कि मैं आपको थोड़ा सा समझा सकता हूँ इसमें। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं तो ब्लॉगर आपके लिए पहला प्रेफरेंस हो सकता है। ब्लॉगर पे जाइए, वहां पे आप स्टार्टिंग में एक आप मान के चलिए 1 महीना आप वहां पे स्पेंड करिए, ब्लॉगर पे अपना टाइम दीजिए, वहां पे पोस्ट लिखिए जिस भी चीज के बारे में आप इंटरेस्टेड हैं, वहां पे पोस्ट लिखते रहिए। उसके बाद फिर जैसे आपको लग जाएगा, खुद ही फील हो जाएगा कि मैं ब्लॉगर पे क्यों मेहनत कर रहा हूँ, मुझे अपना खुद का ब्लॉग स्टार्ट कर देना चाहिए। तो सबसे बढ़िया बात, अपना एक जाके डोमेन नेम परचेज करिए, होस्टिंग खरीदिए, सब कुछ GoDaddy, बिग रॉक, ऐसी नेमचीप, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से आप इजीली उसको खरीद सकते हैं। और उसके बाद फिर अपना एक ब्लॉग बना लीजिए, किसी भी डेवलपर को हायर कर लीजिए, अपनी वेबसाइट को वहां पे क्रिएट करवा लीजिए। वेबसाइट बन जाने के बाद उसके बाद फिर आप ब्लॉग डालना स्टार्ट करिए जिस भी चीज में आप इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे आपका ब्लॉग ग्रो करेगा, उसी हिसाब से आपकी इनकम भी ग्रो करेगी। उसके बाद इनकम कैसे ग्रो करेगी, आप इनकम कैसे कर सकते हैं, आप गूगल एडसेंस के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन गूगल एडसेंस पे अप्रूवल पाना इतना ईजी काम नहीं होता है। आपको थोड़ा सा जो आप देखोगे, मैंने एक वीडियो बनाई है कि गूगल एडसेंस पे अप्रूवल कैसे पाएं अपनी वेबसाइट के लिए, तो उसको भी देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो भी प्री रिक्विजाइट जरूरतें रहती हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। गूगल जब आपकी वेबसाइट को अप्रूव कर देगा, उसके बाद आप गूगल से एड चला के वहां से पैसे कमा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, ब्लॉगर पे अपना टाइम मत वेस्ट करिए। सो फ्रेंड, जो पांचों क्वेश्चन मुझसे पूछा है वो विक्रम सिंह ने पूछा है। तो जो विक्रम सिंह मुझसे पूछते हैं कि हाउ टू यूज कॉपीराइटेड आर्टिकल्स इन आवर वेबसाइट फॉर न्यूज, तो ये पूछ रहे हैं कि अगर हम कोई कॉपीराइटेड आर्टिकल यूज करना चाहते हैं तो हम अगर कैसे यूज कर सकते हैं अपने न्यूज की वेबसाइट में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहली बात, आप कॉपीराइटेड आर्टिकल्स को जाइए ही मत, किसी के भी आर्टिकल को कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे मत यूज करिए। आप खुद का कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट लेके आइए, क्योंकि कॉपीराइटेड कंटेंट अगर आप यूज करेंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, वो आपको जो बोलते हैं ना सू कर सकता है, तो आप सू भी हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए और कॉपीराइटेड कंटेंट को अपनी वेबसाइट में मत डालिए। तो फ्रेंड, जो सिक्स्थ क्वेश्चन है मैंने वो ट्विटर से उठाया, और विनायक कुमार झा मुझसे पूछते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए कोई फ्री रिसोर्स है, प्लीज बताना ब्रो। विनायक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि आप खुद से प्रैक्टिकल करिए, खुद से सीखिए, खुद से हाथ पांव मारिए, तो आप सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन जाएंगे तो बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं, 50-60 हज़ार रुपए तक खर्चने पड़ जाते हैं। अगर ऑनलाइन जाएंगे तो यूट्यूब में भी देख सकते हैं, यूट्यूब में एक वेबसाइट है जहां पे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, बट वो पेड रहते हैं और सस्ते मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं वहां से सीखना तो आप सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्री में चाहते हैं तो भाई खुद से हाथ पांव मारिए, ब्लॉग्स पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, जो सेवंथ क्वेश्चन है वो भी मैंने ट्विटर से ही उठाया, तो ये राम पांडे हैं कोई मुझसे पूछते हैं, आई एम ए स्टूडेंट एंड कितने टाइप के पार्ट टाइम बिजनेस, मतलब ये चाहते हैं मुझसे ये पूछना कि कितने टाइप के पार्ट टाइम बिजनेसेस होते हैं। तो राम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम बिजनेस आज के टाइम में अगर आप जाओगे इंटरनेट पे सर्च करोगे तो मोस्ट ऑफ वेबसाइट फ्रॉड होती हैं, आप सबको चीट करती हैं, इसके झांसे में मत फंसिएगा। तो कुछ ऐसी जेन्युइन वेबसाइट्स होती हैं जहां पे आपको काम तो मिलता है लेकिन बहुत मेहनत के बाद मिलता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो आज के टाइम में लोग प्रेफर कर रहे हैं, ब्लॉगिंग हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, अपने कोर्सेज बना के, ई बुक्स बना के बेचिए, उसके बाद ये जो चीजें हैं ना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को सीखिए, और ब्लॉगिंग सबसे बेस्ट रहेगा मैं आपको कहूंगा। लेकिन ब्लॉगिंग टाइम टेकिंग है, एक रात में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे खटना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बात मैं आपको हिदायत देना चाहता हूँ, आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी पार्ट टाइम बिजनेस करना चाह रहे हैं या फिर कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें मेहनत लगती है। आप ये मत सोचिए कि बस मैं अभी, मेरे से नहीं हो रहा, 1 महीने मैंने काम किया, 2 महीने काम किया, नहीं हो रहा, अब मुझे छोड़ देना चाहिए, मतलब मेरा यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होता मेरे फ्रेंड्स। आपको टाइम लगता है, अगर आपने जम के 6-7 महीने किसी भी एक भी फील्ड को पकड़ के उसमें काम कर दिया ना, तो वो फील्ड आपको उसके बाद जो फल देने वाली है, जो रिस्पांस आपको मिलेगा वो इनसेन होगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको। मेरा ही देख लीजिए, मेरे केस में ब्लॉगिंग हो गया, फिर यूट्यूब चैनल हो गया, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है मेरी जिसपे मैं कोर्सेज को सेल करता हूँ, बहुत सारी चीजें बताता हूँ लोगों को, लोगों को समझाता हूँ तो उनको अच्छा लगता है। और बहुत सारी ऐसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनियां हैं जो मेरे टच में हैं, उनको मैं समझाता हूँ, कंसल्ट करता हूँ, उनसे काम लेता हूँ, उनको काम देता हूँ। तो ये सारी चीजें एक रात में नहीं होती हैं, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सीखना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस रखो, धीरे धीरे बढ़ो, एक कछुए की चाल चलो, सक्सेसफुल हो जाओगे। सो फ्रेंड, जो 8th क्वेश्चन है वो टेक क्लाउड मुझसे पूछते हैं, इन्होंने बोला
प्लीज सर पिक माई क्वेश्चन. माई क्वेश्चन इज विच टेम्पलेट वी कैन यूज टू अप्रूव साइट. आई थिंक ये पूछ रहे हैं कि गूगल एडसेंस के लिए अगर हम अपनी वेबसाइट को भेजते हैं तो कौन सा टेम्पलेट, कौन सी थीम हमको यूज करनी चाहिए जिससे अप्रूवल जल्दी मिल जाए. तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं, ऐसा तो कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है कि किसी भी टेम्पलेट के ऊपर गूगल आपको अप्रूवल नहीं देता है. तो बस आपके पास आपका जो टेम्पलेट है, आपकी जो थीम है, वो इजी टू यूज होनी चाहिए. नेविगेशन उसमें प्रॉपरली होना चाहिए. जो अबाउट अस का पेज हो गया, अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे विजिट करे तो वो कंफ्यूज ना हो जाए कि कॉन्टेक्ट अस का पेज कहाँ है, उसके बाद फिर मेन्यू कहाँ है. अगर वो वहां यहाँ पे क्लिक कर रहा है वो फेसबुक पे रिडायरेक्ट हो जा रहा है, वो होम पे क्लिक कर रहा है तो वो किसी और कैटेगरी में घुस जा रहा है. तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए. सारा कुछ एकदम प्रॉपरली मेंटेन्ड होना चाहिए और एक वेल डिजाइंड, एक नॉर्मल सिंपल सा डिजाइन होना चाहिए. बस वही काफी है. इजिली आपको बस पोस्ट होनी चाहिए. पोस्ट अच्छी अच्छी पोस्ट डालिए, यूजर फ्रेंडली पोस्ट होनी चाहिए. उसमें एड्स वेड्स मत भरिए, थर्ड पार्टी एफिलिएट लिंक्स मत घुसा दीजिए, तो अप्रूवल नहीं मिलेगा. अगर ये सारी चीजों का ध्यान रखोगे, सभी चीज प्रॉपरली होंगी और आप अपने यूजर के एक्सपीरियंस का ध्यान रखोगे तो इजीली अप्रूवल आपको मिल जाएगा. तो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं अपना नाइन्थ क्वेश्चन. जो नाइन्थ क्वेश्चन मुझसे पूछा है वो अमृता रॉय ने पूछा है. ये पूछती है, सर सबसे कम पैसे में एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कैसे वेबसाइट बन सकती है. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप सिंपल सा टेम्पलेट यूज करो, सिंपल सी होस्टिंग खरीदो, बहुत ही सस्ता सा आप डोमेन नेम तो इजीली मिल जाता है यार, कुछ भी ज्यादा खर्चा नहीं करना. मैं आपको एक एस्टिमेट बता देना चाहता हूं, अभी 5 से 6 हजार, नहीं तो 3 से 4 हजार में आपकी बहुत बेस्ट वेबसाइट बन जाएगी अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं. तो फ्रेंड जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो शो ऑफ ने मुझसे पूछा है कि हाउ टू गारंटीड सक्सेस ऑन यूट्यूब, प्लीज आंसर. तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूं आपको बताना कि YouTube पे सक्सेस पाना इज नॉट ईजी और YouTube पे आप परमानेंट होके नहीं बैठ सकते. यहाँ पे करियर बहुत रिस्की होता है. आपको हर टाइम हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, कम्युनिटी गाइडलाइंस, कॉपीराइट गाइडलाइंस, और उसके बाद भी अगर आपने YouTube की पॉलिसीज को नहीं फॉलो किया तो आपको दिक्कत हो सकती है. बहुत सारी चीजें रहती हैं YouTube पे. YouTube पे सर्वाइव करना ईजी नहीं है, लेकिन अगर आप सारी चीजों को पढ़ के अच्छे से फॉलो करोगे, ट्रू रहोगे अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ, या फिर आप अपने आप में अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, लोगों को आपका कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इजीली आप ग्रो करोगे. लेकिन गारंटीड सक्सेस की बात करें तो गारंटी भाई किसी चीज की नहीं है. लाइफ की गारंटी नहीं है तो यूट्यूब क्या चीज है. तो फ्रेंड्स आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी और मैं आप सबको उन सबको जरूर बोलना चाहता हूं कि अगर आपके क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं हुए तो नेक्स्ट टाइम मैं इंक्लूड कर दूंगा. और अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है मुझसे रिलेटेड, मेरी लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल क्वेश्चन, प्रोफेशनल क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप #askAK यूज करिए, उसके बाद क्वेश्चन पूछ लीजिए, शायद आपका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड हो जाए. तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए. लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए. और अगर आप नए मेहमान हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो फ्रेंड चलिए, मैं अमित मिश्रा आप सबसे मिलता हूं अपने फ्यूचर वीडियोस में. तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए. टेक केयर, गुड बाय. और हाँ, जल्दी मैं आपको बता रहा हूं ये कैप मैं निकाल के फेंकने वाला हूं क्योंकि बाल आ गए हैं, तो वीडियोस मैं अब ऐसे ही बनाने वाला हूं.